मोतिहारी में अग्निशमन की टीम ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को आग से बचने का गुर सिखाया। इस दौरान मॉकड्रिल के जरिए लोगों को बताया गया कि अगर कोरोना के इस दौर में कहीं आग लग जाए तो कैसे बचाव किया जा सकता है। उद्योग धंधों या कल कारखानों के जो केंद्र हैं वहाँ पर अग्नि सुरक्षा के मानक, उन यंत्रों की पहचान या वो यंत्र अग्नि सुरक्षा के दृष्टि से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो भी उद्योग धंधा के अंदर कर्मचारी हैं या जो उसके ओनरशिप के एंटरप्रेन्योरशिप के जो पदाधिकारी हैं। पूर्वी चंपारण जिले के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस लिया है। इसी के तहत अग्निशमन विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल अब सैनिटाइजेशन के लिए भी किया जा रहा है। इस दौरान विभाग के अधिकारी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। आज कोविड 19 के भयावह संक्रमण के दौर में जो भी हमारी प्रशासकीय दायित्व है, सरकारी दायित्व है, निर्देशानुसार जो भी कार्य सौंपे गए हैं, फायर डिपार्टमेंट बखूबी इसका अंजाम दिया जा रहा है। चाहे अग्नि सुरक्षा की बात हो या कोविड 19 के संक्रमण में बचाव और प्रसार से सुरक्षित करने के लिए। पूर्वी चंपारण जिले के डीएम ने शहर के चौक चौराहों पर घूमकर लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। इस दौरान बिना मास्क के नजर आने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए मास्क देकर पहनने को कहा गया। डीएम ने कोविड केयर सेंटर का भी जायजा लिया। इस दौरान मरीजों और परिजनों से बातचीत भी की। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारा मास्क एनफोर्समेंट करना है, साथ ही में 6 बजे के बाद जो दुकानों को इसेंशियल दुकानें छोड़ के सर्विसेज की उनको जो निगरानी रखनी है, उनको क्लोज करना है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। नालंदा में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चंडी थाना क्षेत्र के ठाकुर स्थान गांव की है। मृतक मोहम्मद राजा अपने बहन के घर आया था और इसी दौरान किसी ने फोन करके उससे मिलने बुलाया। इसके बाद उसकी लाश मिली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली मारा गया चार। हम खुद देखे यहाँ पे आकर बॉडी। तो किस पे शक है आपको? बस वो ले गया, बस हमको उसी पे शक है कि वो तुम ले गए हो ना। उसके बाद से कोई फोन कॉल ही नहीं आया, नहीं रिसीव कर रहा है, तो उसी पे हमको शक है और किसी पे। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नवादा के पकरी बरावा थाना क्षेत्र स्थित चढ़ियारी गांव में बार बलाव का डांस प्रोग्राम कराया गया। रात भर गाँव वाले डांस पर थिरकते नजर आए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। इस आयोजन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 3 घरों में चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बीते कई महीने से इस इलाके में चोरी और लूटपाट की घटना बढ़ गई है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस घटना से आम लोगों में काफी नाराजगी है। हम यहाँ पर जो मकान बना के 84 से रह रहे हैं और मेरे मकान का नाली इस जमीन से दोनों साइड से निकलता है जो पूरब की ओर जाता है। विगत ये जमीन जो है 20-25 वर्ष से हमारे अंडर में है, जिसमें हम इसमें गाय और गाड़ी उड़ी लगाते थे। गुमला में सिसई प्रखंड निवासी सुधीर उराव की हत्या का खुलासा हो गया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी को सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर उराव कितना उम्र रहा? सुधीर उराव कहाँ रही? लड़ाई उड़ाई होत रहे, झगड़ा उगड़ा? लातेहार के रजवार ग्राम में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर जंगल में पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। मवेशी चराने गए चरवाहों ने लाश देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। लातेहार में तालाब में नहाने गई 6 और 8 वर्षीय 2 सगी बहनों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन तालाब पहुंचे और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम पसर गया है। गुमला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को आग लगा ली। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के सेमा टोली गाँव की है। परिजनों के मुताबिक वे शादी में गए थे। शादी से लौटने के बाद घर का दरवाजा नहीं खुलने पर शोर मचाया, जिसके बाद जुटे ग्रामीणों की मदद से आरोपी को बचाया गया। आज सुबह में सूचना मिली कि संघर्ष कुमार के समर टोली व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करते हैं। घटनास्थल के लिए हम लोग घटनास्थल पर आए हैं तो पाया कि
भ्यावा मुंडा के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और खुद को आग लगा लिया गया है।